Praise the Lord, God's morning again. आज लय व्यवस्था की पुस्तक उसका सातवां अध्याय पढ़ेंगे। बीते जो अध्याय अभी तक हमने पढ़े हैं, ये छह अध्याय में हमने बलियों के बारे में देखा। क्वाइट समथिंग यू नो, थोड़ा सा जो है बोरिंग है कि भाई ये करना, लेकिन ये सोचो कि उस जानवर के लिए कैसा है, हमारे पापों के कारण, ये मनुष्य के पाप के कारण। वेल, दोष बलि के बारे में बात करें तो सातवें अध्याय में पहले वचन में है, फिर दोष बलि की व्यवस्था यह है कि वह परम पवित्र है। जिस स्थान पर होम बलि पशु का वध करते हुए उसी स्थान पर दोष बलि पशु का भी बलि करे और उसके लहू याजक जो है वेदी के चारों ओर छिड़के। बाकी सारी बातें, इसको किस प्रकार से करना है, क्या करना है, अब 10 वचन तक देखेंगे कि किस प्रकार से बलि चढ़ाई गई, जो पिछले अध्याय में मैंने आपको समझाया। इसके बाद 11 पद से देखेंगे। यहाँ पर एक जरूरी बात है मेल बलि के बारे में। 11 पद में लिखा है, मेल बलि की जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए, व्यवस्था यह है, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद के साथ तेल से सने हुए अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाए, और वह अपने धन्यवाद वाले मेल बलि के साथ अखमीरी रोटियां भी चढ़ाए, और ऐसे एक एक चढ़ावे में से एक एक रोटी यहोवा के उठाने की भेंट करके चढ़ाए, वह मेल बलि के लहू छिड़कने वाले याजक की होगी। यू नो, हर बलि के हिसाब से अलग अलग व्यवस्थाएं थी, लेकिन इस बात के पीछे हम देखते हैं सभी चीज़ चढ़ाए, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसके करने से कुछ गलत हो जाएगा। जी हाँ, ये विधियाँ जानना ज़रूरी है। अगर विधियाँ ठीक से नहीं जानी तो गलती हो जाएगी, और ये गलती हो जाएगी, ये गलती मौत तक है। सुनिए आगे, मैं थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ, 22 पद में पढ़ रहा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से इस प्रकार कह, तुम लोग ना तो बैल की कुछ चर्बी खाना और ना भेड़ या बकरी की, और जो पशु स्वयं मर जाए और जो तुम्हारे पशु से फाड़ डाला जाए उसकी चर्बी अन्य काम में लाना, परंतु उसे किसी प्रकार से खाना नहीं। जो कोई ऐसे पशु की चर्बी खाएगा जिसमें से लोग कुछ यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाया करते हैं, वह खाने वाला अपने लोगों में से नाश किया जाएगा, और तुम अपने घर में किसी भांति का लहू, चाहे पक्षी का चाहे पशु का हो, न खाना। हर एक प्राणी जो किसी भांति का लहू खाएगा वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों के अंदर ये बातें अधूरी ना रहें, इसलिए परमेश्वर हर बात अच्छी रीति से सिखा रहा है। 35 वर्स में से अगर हम देखें, जिस दिन हारून और उसके पुत्र यहोवा के समीप याजक पद के लिए लाए गए, उसी दिन यहोवा के हव्यों में से उनका यही अभिषिक्त भाग ठहराया गया। अर्थात जिस दिन यहोवा ने उनका अभिषेक किया, उसी दिन से उसने आज्ञा दी कि उनको इसराइलियों की ओर से ये भाग नित्य मिला करे, उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनका यही हक ठहराया गया है। मतलब जो याजक हैं, याजक का तो कोई और काम नहीं है, वो तो बिजनेस नहीं कर रहे, वो खेती नहीं कर रहे, वो कुछ और नहीं कर रहे, उनका जो भाग है वो मंदिर में जो चढ़ावा है वही उनका भाग है। और चढ़ावा क्या है, 28 पद से लेकर जो है 34 पद तक देखेंगे जो जो चीज़ें उनको दी जाती है। 37 पद, होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, याजकों के संस्कार बलि और मेल बलि की व्यवस्था यही है। जब यहोवा ने सीनै पर्वत के पास के जंगल में मूसा को आज्ञा दी कि इसराइली मेरे लिए क्या क्या चढ़ावा चढ़ाएंगे, तब उसने उनको यही व्यवस्था दी थी। चढ़ावे के बारे में जितनी बातचीत है वो ये सब कुछ है। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे मेरे प्रियो, कुछ बातों पर गौर कीजिए, मनन कीजिए और ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपसे बात करेगा। अब ये चढ़ावा आपके और मेरे जीवन में नहीं है, हमें चाहिए दिल से। वो गाना तो आपने सुना होगा ना, क्या फूल चढ़ाऊँ मैं। ये फूल चढ़ाना, ये चीज़ों को देना यहोवा के लिए आदर की बात है। हम कुछ भी नहीं दे सकते यहोवा को, पर वो जो हमारे दिल से है। हमें धन्यवाद, प्रभु आप सबके साथ हो, प्रभु का आत्मा अगुवाई करे, फलवंत बनाए आपको, आपके परिवार को बनाए। आमीन। कल फिर मुलाकात होगी एक इसी समय इसी प्रोग्राम में। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है, आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है, विजनरी टीवी पर।